आगरा जनपद में तेजी से फैल रहे रहस्यमयी बुखार से लोग काफी परेशान हैं। सरकारी एवं निजी अस्पतालों में भी बुखार के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ गई है। फतेहपुर सीकरी में रहस्यमयी बुखार से एक बच्ची की मौत हो गई, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम अब अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। जिला अस्पताल में भी सामान्य दिनों की तुलना में बुखार के मरीज अधिक आ रहे हैं। जिला अस्पताल की इमरजेंसी में भी 12 से अधिक मरीज बुखार से पीड़ित है, जिसमें 6 बच्चे शामिल है। इस वर्ष आगरा जनपद में रहस्यमय बुखार लोगों को काफी परेशान कर रहा है। ज्यादातर लोगों को बुखार तो महसूस होता है, लेकिन जांच में कुछ नहीं आता। 20% मरीजों में यह हल्के बुखार के रूप में है, लेकिन काफी मरीज में बुखार से शरीर में टूटन महसूस हो रही है। कई दूसरी दिक्कतें भी होने लगी है। शहर से लेकर देहात में यह फैल रहा है। बच्चे भी चपेट में है। हर सीजन में वायरल बुखार आता है। इस सीजन हाई ग्रेड वायरल हुआ था। इसमें 104 से 106 डिग्री सेल्सियस तक बुखार रिकॉर्ड किया गया। जिला अस्पताल में भी सामान्य दिनों की तुलना में बुखार के मरीज अधिक आ रहे हैं। जिला अस्पताल की इमरजेंसी में भी 15 से अधिक मरीज बुखार से पीड़ित हैं, जिनमें 6 बच्चे भी शामिल हैं। बुखार से पीड़ित बच्चों के पिता के अनुसार उनके बच्चों को पिछले 5 दिनों से बुखार है, लेकिन बुखार 100 डिग्री से ऊपर ही बना हुआ है। निजी अस्पतालों में फायदा न होने के चलते अब वह अपने बच्चों को लेकर जिला अस्पताल पहुँचे, जहाँ बच्चों को थोड़ा आराम जरूर मिला है, लेकिन बुखार की स्थिति जस की तस बनी हुई है। बुखार इसको सोते ऊपर ही था, 105 के लगभग, 4-5 के लगभग ऐसे हो गए 5-6 दिन। जब से और भी दवाई दिलवाई प्राइवेट, कई जगह से बुखार आ जाता चला जाता है। अभी स्थिति ये है कि बुखार तो कल पूरे दिन नहीं आया, रात को फिर बुखार आ गया, फिर तेजी से सुबह तलक रहा, 6 बजे तलक। डॉक्टरों ने भाई अपना इलाज किया कि कोई बात नहीं, धीरे धीरे वायरस है, धीरे धीरे चला जाएगा। बता दें कि इस रहस्यमयी बुखार को लेकर सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के साथ जिला अस्पताल को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। यहां पर बच्चों के लिए पीकू वार्ड में अलग व्यवस्थाएं की गई हैं, महिलाओं के लिए महिला वार्ड में व्यवस्थाएं की गई हैं और बुजुर्गों के लिए जेनेटिक वार्ड में उपचार देने की व्यवस्था की गई है। साथ ही ब्लड की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। इस समय जिला अस्पताल में मरीजों के लिए 35 यूनिट से अधिक ब्लड उपलब्ध है। बता दें कि डेंगू मलेरिया और वायरल फीवर से निपटने को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं। जिला अस्पताल आगरा में भी हर स्थिति से निपटने की तैयारी की गई है। चिकित्सकों के रोस्टर प्लान तैयार कर दिए गए हैं और जिला अस्पताल में मरीजों के लिए 24 घंटे उपचार से लेकर जांच तक की व्यवस्थाएं की गई हैं। सी न्यूज़ के लिए अनिल कुमार सिंह की रिपोर्ट।